Please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे मीठे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बड़ी बड़ी उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, वो इस वजह से कि इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी बिग न्यूज़ देने जा रहा हूँ जो कि आपकी स्टॉक मार्केट को उठा के बुलंदियों तक ले जाएगी। और वो न्यूज़ है जी FATF की। FATF जो है ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में यानी कि क्लीन चिट देने जा रहा है। क्लीन चिट से मुराद कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से पाक कंट्री हो गया है। अब इस मुल्क को यानी कि ये क्लीन चिट में आने का मकसद ये होता है। बाद दोस्त पूछते हैं जी FATF है क्या, हमें ये तो बताएं अगर ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है तो हमें फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों FATF से जो मुराद है ना वो ये है कि FATF जो है आपको क्लीन चिट देने जा रहा है। इस चीज़ की क्लीन चिट के आपके पास पूरी दुनिया पैसा लेके आ सकती है, आपका इत्माद बहाल हो जाएगा। इस वजह से कि अब पाकिस्तान जो है वो FATF ने वेरीफाई कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अपना टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, आपको पता है ये बहुत बड़े दो जुर्म होते हैं जिससे मुल्क तरक्की नहीं करता, जो कि हमारे माजी में होते रहे हैं काफ़ी। और अब काफ़ी ये जितनी भी इनकी शरायत थी 40 की 40 ये पाकिस्तान ने पूरी कर ली है और अब ये क्लीन चिट मिल रही है, बाहर आ रहा है। पूरी दुनिया लगा लें कि जो बड़ी बड़ी मुशतें हैं वो पैसे लेके पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाइनों में खड़े होंगे जी हमसे पैसा लें और आप अपने कारोबार करें और हमें उससे प्रॉफिट दें, क्योंकि उनका एतमाद बहाल हो जाएगा। ठीक है, IMF भी पाकिस्तान को बड़ा लोन दे सकता है ये, और वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है, ADB भी दे सकता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है $50 अरब तक आ सकता है। तो आप खुद देखें कि हमारी मौशत किस हद तक तरक्की करके कहां तक जा सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लॉस बुक करते हैं। हम उन सब लोगों के लिए लाए हैं एक गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस ग्रुप में आपको डेली की बाइंग सेलिंग कॉल्स दी जाएंगी और कंपनीज और मार्केट से रिलेटेड न्यूज से भी अपडेट किया जाएगा। इस ग्रुप में आपको और भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और ग्रुप की फीस ओनली 1000 रुपीज पर मंथ है। इसके साथ हम अपना लर्निंग ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते मगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। इस ग्रुप में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। ये 4 मंथ का कोर्स है और मंथली फीस है 5000 रुपीज। स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और इन दोनों प्रोजेक्ट में से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बिग न्यूज है जो हमारी मार्केट को उठा के 50K तक भी ले जा सकती है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाएं और वो दोस्त परेशान ना हो जो बेचारे जरा लॉसेस में फंसे हुए हैं और वो 2-3 साल से सरवाइव कर रहे हैं, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, अब आप सीधा फोन लगाएं और इस नंबर पर कॉल करें। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपके तमाम मसले दूर होने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आपके लॉसेस प्रॉफिट में इंशाल्लाह बदल के देंगे। और ये मेरा दावा है, आप रब्ता करें और हमारे ग्रुप्स में एंटर हों और आप देखिएगा कि आपके इंशाल्लाह ताला लॉसेस कैसे रिकवर होते हैं, प्रॉफिट में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों नंबर नोट फरमा लीजिए, 03-23-47-14-528। दोबारा बोल देता हूँ, 03-23-47-14-528। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए मैं 4 स्टॉक ऐसे लेके आया हूँ रिफाइनरी सेक्शन के जो कि आज बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो काफ़ी दोस्त परेशान थे, उनके मैसेजेस भी आए, तो उनको मैंने साफ बात बताई। मैंने कहा भाई देखो स्टॉक मार्केट जो है ना वो टेक्निकल्स के साथ साइकोलॉजिकल पे भी चलती है। इस वक्त आप लोगों से जो छीना तानी हो रही है ना वो सब मैं देख रहा हूँ मार्केट में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी माल छीना जा रहा है और रिफाइनरी सेक्शन में भी छीना जा रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो इन्वेस्टरों को मैंने पक्का कर दिया ना कि आप लोगों ने छोड़ना कुछ नहीं है और माशाल्लाह सब इस बात पर पक्के हैं और माशाल्लाह उसमें जो है ना हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। रिफाइनरी वाले भी जो हमारे भाई हैं उनको भी थोड़ा सा पक्का करना पड़ेगा कि भाइयों बात है कि आप इस चीज़ को समझ लें, ये वाले जो स्टॉक हैं यही मार्केट की जान स्टॉक हैं ये वाले, ठीक है, जो रिफाइनरी के हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है। इंशाल्लाह ताला
इनको आप छोड़े ना, अपने पैसे को थोड़े बचा के रखें, जो नीचे आए इसको आप नीचे से बाय करें, एवरेज करें। आप देखिएगा कि इन स्टॉक ने तो चलना है मार्केट के, ये सबसे आगे होते हैं, बाकी सारा स्टॉक पीछे होते हैं। यानी कि जो तीन सेक्टर है ना वो पूरी मार्केट को चलाते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। ये आप भी मेरी तायीद करेंगे इस बात की। तो रिफाइनरी में जो आपको बताने जा रहा हूँ ये जान है उसकी, और ये आज अगर नीचे थे तो कल देखिएगा ये ग्रीन होंगे, जो बिग प्लेयर्स ने माल आपसे छीन लिया उठा लिया अब उसको बढ़ाएंगे ऊपर जाके बेचेंगे। तो जिन लोगों ने बेच दिया है तो वो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई होल्ड रखो, होल्डिंग पावर यूज़ करो, और उसकी बात भी याद रखो जो वॉरेन बफेट है इस वक्त दुनिया का चौथा अमीर तरीन बंदा है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, अब 2023 में वो दुनिया का पहला अमीर तरीन बंदा होने जा रहा है जो स्टॉक मार्केट का होगा। उसने एक ही बात को जोर दिया हुआ है बार बार कि अगर आप अच्छा स्टॉक पकड़ते हैं उसको होल्ड रखें, होल्ड की पावर यूज करेंगे तो आप इतने अमीर हो जाएंगे कि जितने वो खुद हैं। अगर आप लूज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आपका कोई वाली वारस नहीं है, आपने बेवकूफ़ी की, गलती की, बेच दिया नेगेटिव रूमर्स की वजह से या गलत खबरों की वजह से। जी इसकी नेगेटिव ये न्यूज़ आने वाली है, ये आने वाली है, वो तो बात है जी कि वही लोग छोड़ते हैं ना जिन्होंने नीचे से माल उठाना होता है। तो बहरहाल आप थोड़े जो है ना मोहतात रहा करें इस चीज़ों पे कि जब आपके पास अच्छी चीज़ है, गोल्ड ब्लू चिप स्टॉक है, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये आपने को TRG नहीं पकड़ा हुआ, TRG वालों की बेचारों की रात को नींद नहीं आती, वो बेचारे पता नहीं कैसे सोते हैं, टैबलेट्स लेके या नींद की गोली खा के सोते हैं, वो बड़ी टेंशन होती है उसमें कि ये अभी ना गिर जाए, अभी ना गिर जाए। आप लोगों के पास तो गोल्ड स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, आप इसको मुतमईन होके रखें, कुछ भी नहीं होना। तो दोस्तों स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला जी ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड, आउट क्लास आउटस्टैंडिंग, ये जितना भी नीचे गया है ये 4 गुना स्पीड से वापस आएगा। उसके बाद है जी NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, ये भी आज काफी गिराया गया है और पैनिक सेलिंग से हुआ है ये, कल आप इसको देखिएगा ये कितने पैसे ऐड कर देता है, जितने इसने गिराए हैं कल ऐड कर देने। उसके बाद है जी पोल, ये है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, ये भी जबरदस्त स्टॉक है और ये देखिएगा कैसे स्पीडों से ये ऊपर चलता है, और 100 रुपया डालना तो इसके लिए मामूली बात है। उसके बाद है जी APL, ठीक है जी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, आपको पता है कि ये चीता टाइगर हैं ये वाले, ये अगर नीचे गए हैं ना तो इन्होंने जितने जितने पैसे नीचे गिराए हैं 4-4 गुना ये वापस ऐड भी करने हैं और स्पीड से वापस भी आना है। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, इसको बराए मेहरबानी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।